हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं ये पार्सल दराज का। और आपको लग रहा होगा कि मैंने ये पार्सल जो है दराज का ये ऐसे क्यों, लाइक ये ऐसे मोड़ा हुआ क्यों है। सो बेसिकली जो है ये मैं इसके लिए इतना एंग्शियस था कि मैंने इसको खोल लिया था। फिर मुझे याद आया यार वीडियो बनानी है, फिर वीडियो के लिए मैंने इसको जो है ना वो वापस सील किया। और वैसे भी मैंने इसको क्या कहते हैं ऐसे इसीलिए रखा हुआ है क्योंकि नीचे मेरा एड्रेस है, तो अगर मैं इसको उठाऊंगा तो आपको मेरा एड्रेस नज़र आ जाएगा और मैं बेसिकली वो नहीं चाहता। तो अब लेट्स कंटिन्यू। अच्छा तो कंटिन्यूइंग लेट्स मूव टूवर्ड्स द पार्सल, पार्सल की तरफ बढ़ते हैं। तो पार्सल यार आपको ना डब्बे से अंदाज़ा लगा लिया होगा। नहीं ये मी बैंड 4 का तो डब्बा नहीं है, पर ये है द वन एंड ओनली मी बैंड 6 का डब्बा। देख सकते हैं आप ये मी बैंड 6 का डब्बा है। और अगर हम इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएं इट सेज क्लियरली कि यहाँ पे लिखा है 1. मैं दिखा सकूँ तो दिखा देता हूँ, 1.5 क्रिस्प लिखा है इसके अंदर। अगर आप देख सकें तो 1.5 क्रिस्प एंड क्लियर फुल एमोलेड डिस्प्ले, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटरिंग और स्ट्रेस मॉनिटरिंग एंड ब्रीथ ट्रेनिंग एंड सेंचुरिकल साइकिल सही। और ये अगर आप लोगों को पढ़ना हो तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, 5, 4, 3, 2, 1 ये मी बैंड 6 का डब्बा इधर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको पढ़ के दिखाया। अब इसकी आ जाते हैं तो इस पर लिखा है अप टू 30 वर्कआउट मूड्स डेटा ट्रैकिंग एंड ऑटोमेटिक वर्कआउट डिटेक्शन, वाटर रेजिस्टेंट अप टू 50 meters, स्विमिंग स्ट्रोक रिकग्निशन, रिलायबल स्लीप इंफॉर्मेशन रिकॉर्डिंग एंड मैग्नेटिक चार्जिंग। मैग्नेटिक चार्जिंग इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा फीचर है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इनके जो कंपेरिजन हैं वो भी आएंगे, नेक्स्ट वीक आ जाएंगे या इसी वीक आ सकते हैं सही। तो ओपनिंग द बॉक्स राइट हियर, अभी सील हमने इसकी तोड़ दी है और ये देख सकते हैं आप ये खोलने पे ऐसा निकलता है। ओ बैंड मैंने गिरा दिया था, सॉरी ये बैंड है। मैं इसको साइड पे कर देता हूँ मी बैंड 6 को और इसको डब्बे को इसको मैं थोड़ा सा दूर हटा देता हूँ। सेम कमिंग टुवर्ड्स द बैंड क्या लिखा रहा है, पेयर फर्स्ट। अगर आपको गौर से देखें तो लिखा रहा है पेयर फर्स्ट, सही पेयर फर्स्ट लिखा रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें पेयर फर्स्ट लिखा रहा है। कहाँ से चलता वो ऑन हुआ है बेसिकली, ये देखें पेयर फर्स्ट लिखा रहा है। मगर इसकी वो इतनी ज़्यादा नहीं है तो मैं एक सेकंड इसकी ब्राइटनेस बढ़ा लूँ यहाँ से। अच्छा इसकी ब्राइटनेस नहीं बढ़ पाएगी तो पहले हम इसको पेयर कर लेते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लिप में। तो वेट टिल वी पेयर इट। ओके
तो यार अब आपको थोड़ी सी कैमरा क्वालिटी में भी फ़र्क लग रहा होगा, सही है। तो अब मैंने इसे पेयर कर लिया है, सही है। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, आप देख सकते हैं मैंने इसे पेयर कर चुका हूँ। एज यू कैन सी राइट हियर आई हैव पेयर्ड इट। पहले मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ, सही। सेटिंग्स में जाके इसका ब्राइटनेस मैं फुल कर दूँ ताकि आप लोगों को सही नज़र आ सके, सही। ये देखें, ये मैंने इसको पेयर कर दिया, सही है। और आप लोग अगर बीच में देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ये आप लोग देख सकते हैं ये स्ट्रैप किस चीज़ का है, आप लोग गेस कर लें कमेंट में। मैंने आपको दिखा दिया थोड़ा सा, सो आप लोग गेस कर चुक सकते हैं। तो मैंने अपना बैंड सक्सेसफुली पेयर कर लिया है, सही है। मेरा पास बैंड है, मगर बैंड पे जाने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, हमारा अगला टारगेट है 200 सब्सक्राइबर्स। सो गाइस लेट्स गो टुवर्ड्स द 200 सब्सक्राइबर गोल। तो यार शुरू करते हैं इस बैंड से। आप देख सकते हैं इस बैंड के अंदर अभी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आई के मैंने पेयर कर दिया है, सही है। ये देखें 16 और अभी 1650 आ रहा है इसके अंदर। अभी 24 आवर फॉर्मेट हुआ है तो इसके अंदर अभी आप 1650 देख रहे हैं, सही है। तो फिर आगे हम बात कर लेते हैं इसमें नीचे जाने की। तो इसमें आ जाता है हमारे पास स्टेटस। अच्छा, अब स्टेटस क्या है? अब मी बैंड 4 में आपको उसके हिसाब से बताऊं तो मी बैंड 4 में इसको हम कहते हैं स्टेटस ही कहते हैं हम भी इसको, मगर यहाँ पर आइकन बदल दिया है मी बैंड 4 के अंदर वो। मगर अब मैं और डिटेल नहीं दे सकता इसकी क्योंकि फिर वो मैं कंपैरिजन वीडियो में डालूंगा, सही है। तो यहाँ पे आ जाता है हमारे पास स्टेटस। तो स्टेटस के अंदर ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, और इसके अंदर स्टेटस के अंदर ये सारे डेज वगैरह भी ऐड हो चुके हैं। फिर हमारे पास आता है जी, अब ये हम जाते हैं तो ये पाए और ये सब आता है। तो आप इसको आप अपने हाथ पर रख के कैलकुलेट कर सकते हैं, सही है। बीच बीच में मैं पाए का जैसा आप देख सकते हैं पाए। तो आपने देख ली होगी ये पाई की वीडियो कि कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर अब हम आ जाते हैं हार्ट रेट पे, हार्ट रेट पे आ जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हार्ट रेट पे हमारे पास क्या कहते हैं, हार्ट रेट की भी अभी आपके पास वीडियो आएगी। होपफुली आपने हार्ट रेट की वीडियो भी देख ली हो, सही है। और ये SpO2, अब इसकी भी वीडियो देख लें आप। आपने इसकी भी वीडियो देख ली होगी। तो अब SpO2 के बाद आता है हमारे पास स्लीप। स्लीप आपकी वही ट्रैक होती रहेगी और वो सब नोटिफिकेशन आप अपने मोबाइल के साथ सिंक करके इसके अंदर नोटिफिकेशन लगा सकते हैं। अभी मैंने नहीं लगाए हैं, मगर वो मैंने आपको शुरू में दिखा दिया था कि जब मैं सेटअप कर रहा था तब ये नोटिफिकेशंस थे। अच्छा, अब वर्कआउट पर आते हैं तो इसके अंदर मेरे ख्याल से 40 से भी ज़्यादा तरह के वर्कआउट्स हैं।
इसके अंदर वर्कआउट जो है वो 40 से भी ज़्यादा किस्म के इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्कआउट्स हैं। आपको अगर मैं बताऊं तो आउटडोर रनिंग मी बैंड 4 के भी स्टार्ट में थी, इसके भी स्टार्ट में है, सही है। तो इसमें ट्रेडमिल और वॉकिंग और कलेक्शन और साइकिलिंग और ये सब भी है, और वो ही रेसिंग मशीन और वो जो भी है रोइंग मशीन, सही है। रोइंग मशीन कह लें आप या उसको शिप कह लें, दोनों एक ही चीज़ होती हैं, सही है। फिर हमारे पास आ जाता है इसी में इलेप्टिकल ट्रेडमिल, वॉकिंग, साइकिलिंग, और फिर आ जाता है हमारे पास इंडोर साइकिलिंग। फिर आ जाता है हमारे पास एक और मशीन है कोई, ये पूल स्विमिंग और जंप प्रो, फ्री स्टाइल के बाद डांस है आपके पास। फिर है इंडोर फिटनेस के बाद जिमनास्टिक के बाद फिर है HIIT, अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे HIIT भी है, सही है। अब HIIT से आगे बढ़ेंगे तो मैं मोर पे चला जाता हूँ। हम HIIT पे थे, कोर ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग, स्टेपर, पाइलेट्स, बेसबॉल, वॉलीबॉल, और फिर हमारे पास और क्या है, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, बॉलिंग, किक बॉक्सिंग, स्ट्रीट डांस, जूम्बा, और फिर हमारे पास आखिरी में है इंडोर आइस स्केटिंग। अच्छा, इंडोर आइस स्केटिंग के बाद हम बैक चले जाते हैं, सही है। और फिर हमारे पास आ जाता है वर्कआउट हिस्ट्री। हमारी अभी कोई हिस्ट्री नहीं क्योंकि हमने नया नया सेटअप करा है, तो हमारे पास कोई भी वर्कआउट हिस्ट्री नहीं है। वर्कआउट हिस्ट्री के बाद हम आ जाते हैं स्ट्रेस। अब आपको स्ट्रेस मॉनिटर करके मैं अपना दिखाता हूँ, सही है, कि वीडियोस बना के हम कितना थक जाते हैं, कितना स्ट्रेस हो जाता है। अब आप आगे हम इसमें देख सकते हैं कि कैसे मैंने स्ट्रेस कैलकुलेट करा। अच्छा, स्ट्रेस के बाद हमारे पास आ जाता है ब्रीथिंग। आपका ये ब्रीथिंग कैलकुलेट करेगा, सही है। अब ये आपको बता रहा है इसके अंदर कीप क्वाइट एंड रिलैक्स, इनहेल और एक्सहेल, ये पूरी आपकी एक्सरसाइज करवाएगा जिससे आपका माइंड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, ये देखें आप इनहेल का इसके अंदर टाइमर भी आ रहा है, तो ये पूरी एक्सरसाइज मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये स्टार्ट होती है, अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी।
ब्रीथिंग के बाद आपने ब्रीथिंग देख ली होगी, अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है साइकल्स। साइकल्स तो इसमें आपको कोई अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी करनी है, ये मुझे नहीं पता इतना, मगर इवेंट्स एंड रिमाइंडर्स आपको शायद इवेंट 4 में भी मिलते हैं। तो इवेंट्स और रिमाइंडर्स को आप तो अपना हिसाब से सेट कर सकते हैं गूगल में जाके, या आपके वो जो कैलेंडर है वो जो भी, आप फिर उसको इसके साथ सिंक करके फिर आप इसके साथ अपना वो भी लगा सकते हैं इवेंट्स भी। फिर आ जाते हैं आपके अलार्म्स आप जो चाहें वो लगा सकें। अच्छा, एक कॉमन बात ये है कि इसके अंदर जो होता है वो 7 o'clock का इसके अंदर टाइमर यूजुअली सेट होता है अलार्म के बाद आपके पास आ जाते हैं वेदर। अब इसके अंदर बहुत सारे वेदर्स आते हैं और ये वही 7 days का आपको बताता है, इसमें भी आपको 7 days का ही बताएगा। और फिर आपके पास म्यूज़िक आ जाता है, सही, म्यूज़िक के बाद आपके पास आ जाता है वर्ल्ड क्लॉक के बाद आपको पूरी दुनिया का उसमें टाइम बताएगा आपको, सही है, ये जैसा भी इस्लामाबाद का बता रहे हैं और ये नीचे न्यूयॉर्क का और ऐसे ऐसे और सारे। तो यार अब हम आगे चलते हैं, तो अब आ जाता है पाए आ जाता है इधर, और इधर आ जाते हैं नो म्यूज़िक का। अब नो म्यूज़िक के बाद हम ऊपर आते हैं तो फिर आपके पास आएगा क्या कहते हैं, यहाँ पे आपके पास आएंगे, ऊपर आएंगे तो सेटिंग्स आती हैं, सही, सेटिंग्स के अंदर आपके पास सबसे पहले आता है बैंड डिस्प्ले, फिर वो DND बैंड डिस्प्ले, यानी आप अपने डिस्प्ले सेलेक्ट कर सकते हैं और आप अपना कस्टम डिस्प्ले भी बना सकते हैं। बैंड डिस्प्ले के बाद फिर आपके पास आता है इसके अंदर ब्राइटनेस आती है, ब्राइटनेस बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मैंने फुल करी हुई आप लोगों के लिए, सही है। फिर लॉक स्क्रीन आती है, लॉक स्क्रीन और वो सब कि कितनी देर बाद और स्क्रीन कितनी देर बाद उठे, और ऑटो स्क्रीन ऑफिंग और ये सब। नोटिफिकेशन आते हैं, एक्टिविटी डिटेक्ट करने का आता है, फिर ये रीबूट, फैक्ट्री रीसेट और रेगुलेटरी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। रीबूट के अंदर से आपका पूरा ये रीबूट हो जाएगा, इसके अंदर कोई सेटिंग नहीं रहेगी, इसके अंदर 2 MB की स्पेस है, वो 2 MB की स्पेस इसके अंदर नहीं रहेगी और इसकी 2 MB की जो स्पेस है वो चली जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी, सही। फिर इसके बाद आ जाता है मोर के अंदर अगर मैं जाऊँगा तो फ्लैश लाइट पर क्लिक करूँगा सबसे पहला ऑप्शन, और मैं टर्न ऑन पर क्लिक करूँगा तो मैं टर्न ऑन पे क्लिक, आप ये देख रहे हैं पूरा बैंड का डिस्प्ले वाइट हो गया है, यूजुअली वो इससे भी ज़्यादा वाइट होता है पर अभी वो इतना वाइट नहीं है। फिर ये हमारे पास आता था पॉन्ड्रोमो टाइमर, आप इसके अंदर अपना टाइमर सेट कर सकते हैं। फिर कैमरे से कनेक्ट करना है आपको, स्टॉप वॉच से कनेक्ट करना है, टाइमर से, फाइन डिवाइस, और फिर ये साइलेंट। बस ये छोटा इसमें आपको ये बता दूं कि ये जो मैंने रिव्यू करा है मी बैंड 4 का, दोनों का डिटेल रिव्यू मेरे चैनल पे मौजूद है, मी बैंड 6 का भी देख सकते हैं, मी बैंड 4 का भी देख सकते हैं। मी बैंड 6 के अंदर मैंने आपको सब कर दिखाया है, और मी बैंड 4 में भी मैंने आपको सब टेस्ट करके दिखाया है, और मी बैंड 6 में भी आपको सब टेस्ट करके दिखाया है। तो या आप लोग उसको तरह से चेकआउट कर सकते हैं, शुक्रिया बहुत बहुत, एंड या दैट्स इट, और बस इतना ही था आपसे, इतना ही कुछ कहना था। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।